चैनल S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। नमस्कार दर्शकों, S11 डेली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दादरनगर हवेली के सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि अंतर्गत भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने भक्तगण भारी संख्या में पहुंचे। 24 फरवरी के रोज पूरे भारत भर की तरह दादरनगर हवेली में भी शिव भक्तगणों द्वारा महाशिवरात्रि मनाई गई, जिसके अंतर्गत भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने उमड़ पड़े। इसी के अंतर्गत दादरनगर हवेली सिलवासा स्थित गायत्री मंदिर, दापाड़ा स्थित साखर तोड़ मंदिर, खानवेल स्थित वृंदावन मंदिरों पर भक्तगणों की लंबी कतारें दिखी। इस अवसर पर सभी ने भोलेनाथ जी को बेल, दूध एवं फूलहार चढ़ाकर उनसे सुख शांति की कामना भी की। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती के साथ शादी की थी, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमट डमट मन्नि नाद वट्ट मर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनु पुनः शिव शिवम् जटाकटाह सभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्गरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी दगद्दगद्द गज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोरचंद्रशेखरे रतिस्तदिक्षणं मम सिलवासा में ब्रह्म कुमारी द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर अमरनाथ झांकी पेश की गई। दादरनगर हवेली सिलवासा स्थित ब्रह्म कुमारी द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार के रोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा इस अवसर पर अमरनाथ की झांकी तैयार कर रखी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग भोलेनाथ जी के धाम अमरनाथ नहीं जा सकते, इसीलिए इस अवसर पर अमरनाथ जैसी बिल्कुल हूबहू झांकी पेश की गई थी और उसी तरह भक्तिमय माहौल बनाने की कोशिश भी की गई थी। ब्रह्म कुमारी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पिछले 10 सालों से किए जा रहे हैं। शांति, विशेष पिछले 8-10 सालों से ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। खास दादरा नगर हवेली की जनता को ये मैसेज देने के लिए कि पिछले 80 सालों से परमात्मा अपना दिव्य और अलौकिक कर्तव्य करा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति शिव जयंती, ये 81वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रही है और खास अमरनाथ की झांकी रख करके लोगों को एक भावना जो है वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते तो ज़रूर उनका ये अनुभव हो कि सचमुच अमरनाथ हम आत्माओं को अमर बनाने वाला वो ये धरती पर आ चुका है, आ करके वो अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करवा रहा है। तो ऐसे परमात्मा का जरूर से यहाँ की जनता को खास निमंत्रण देते हैं कि 2 दिन के लिए ये झांकी यहाँ पर रखी जाएगी, तो उनके लिए ये झांकी का जरूर ये ग्राउंड खुला रहेगा।